एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल घर का खाना विद मधुस्मिता। आज हम बनाएंगे बनाना मालपुआ। तो उसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, उसमें हम डालते हैं सूजी, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ी सी शक्कर और इलायची। हम तोड़ के डाल सकते हैं या फिर आप इसे पाउडर भी डाल सकते हैं। और हमें इसे दूध में अच्छे से मिक्स करना है। दूध के साथ पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, दूध हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये जो बनाना है इसको हम अच्छे से रेडी कर लेते हैं उसमें मिलाने के लिए। अब इस तरह से अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे जिससे गुठलियाँ ना आए, पूरा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। और ये हमारा जो मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब चलिए हम मालपुआ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली थी, तेल गर्म हो चुका था। अब इस तरह से करछी की मदद से आप एक थोड़ा थोड़ा करके इसमें एक एक बार में डाल सकते हैं। और ये मालपुआ देखिए, इसे बीच बीच में हमें पलटना पड़ेगा हल्का सा से ब्राउन कलर आने तक। इसी तरह से आप पलटते रहिए और फिर ब्राउन कलर आने के बाद हम इसे निकाल देंगे। और ये हमारा मालपुआ जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं और इसे हम इसके सारे तेल जब तक निकल जाते हैं पूरा ड्राई होने तक, इसमें आप किसी भी जाली में वगैरह में रख सकते हैं। और इसी तरह से मैं बाकी के मालपुओं को भी बना लेती हूँ। और ये हमारे जो बाकी के मालपुआ भी रेडी हो चुके हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस पे हमें एक और कढ़ाई लेनी है और बेसिकली हमें चाँचनी बनानी है। जैसे हम मालपुआ में चाँचनी बनाते हैं वैसे थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसमें डाल देते हैं शक्कर और उसमें हम डाल देते हैं इलायची को तोड़ के। अब इसको हम चाँचनी बनाते हैं। कुछ देर तक उबालना, चीनी को हम मेल्ट होने तक देते हैं। मेल्ट होने के बाद ये चाँचनी बन जाए। और ये हमारा जो चाँचनी है देखिए एकदम बन चुका है। अब चलिए हमारा जो मालपुआ था उसको उसमें डाल देते हैं। कुछ देर के बाद ठंडा, हल्का सा, पूरा गर्म नहीं रखेंगे, हल्का हल्का इस तरह से रख दीजिए और ऊपर नीचे करके डुबाइए। और ये हमारा जो मालपुआ तैयार हो चुका है, मैं इसे प्लेट में कल निकाल चुकी हूँ। ये खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सॉफ्ट सॉफ्ट स्वीट स्वीट मालपुआ तेरी तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को।